लगता है आपको अभी तक पता नहीं लगा कि बिंज दे रहा है आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन आपकी फेवरेट ओटीटी ऐप का। जीतना है तो इस एपिसोड को लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दबा के एंजॉय करो। ASS University campus is spread over 200 acres. Our university has courses which are not found anywhere in India. Third largest library in India, AC classrooms, playground bigger than Wankhede Stadium. Keeping the rules and regulation in mind, university administration ने decide किया है कि university के सारे courses में dress code लागू किए जाएं। I repeat, university के सारे courses में dress code लागू किए जाएंगे। Uniform? Seriously, uniform? वो भी सलवार सूट। हाँ, तो अच्छा decision ही तो है। मुझे तो कल ही पता चल गया था। इसलिए मैंने वासन टेलर के यहाँ पे 3 जोड़ी ऑलरेडी सिलने को दे दिए। बाय द वे तुम लोग भी जल्दी चले जाओ, इससे पहले भीड़ बढ़ जाए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही तुम अंशिका? क्यों? एक मस्खरा मजाकिया विदूषक कलाकार को तुम एक यूनिफॉर्म में कैसे बांध सकती हो, है ना केबी? ऑफ कोर्स, अब कल कॉलेज से बाहर जाते वक्त अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो गॉड फॉरबिड मैं यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाहूंगी भगवान के पास। व्हाट? आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज हियर। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं केबी, सिवाय फैशन को 4 साल अलविदा कहने के। माँ, अब मेरे ड्रेसिंग सेंस का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। माँ, अब सभी चूतिए देखेंगे। माँ, ओए, तुझे क्या हो गया? अब कॉलेज में एक बंदा बचेगा बड़ो जिसका ड्रेसिंग सेंस कूल दिखेगा। चेक्स जिसे चेक इन करेंगे। इन नहीं, आउट। बड़े वाह। अबे आईने में जाके शक्ल देख अपनी। Looks, who's talking? Chicks are waiting for me. काटेगा क्या? Mother chod, guys. कॉलेज हमें इनफ झूठे सपने दिखा के हमारी जिंदगी में तो घुस ही गए, लेकिन अब हम उसको अपने वार्डरोब में नहीं घुसने देंगे। अबे देख यार, तूने डायलॉग तो उतना कन्विंसिंगली नहीं बोला, सही बता रहा हूँ, लेकिन तू बता तू करेगा क्या? केबी, सारे कोर्सेज के फ्रीडम चाहने वालों को कैंटीन में इकट्ठा कर, बुला। गाइस, आई नो वेयर दिस इज गोइंग, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। ओके, द डोर इज ऑन द राइट साइड, द डोर इज ऑन द लेफ्ट साइड। I know which side the door is. Thanks. And now you know too. अरे वंशिका, अब होगा एस यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट। मित्रों, आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अपनी मांग करने। पर प्रोटेस्ट करने से होगा क्या? क्या होगा? अबे फैशन के 4 दिन बाकी है बेकार दिन, क्योंकि इसके बाद तुम अपने ऑफिस का पट्टा अपने गले में पहन के यूनिफॉर्म में घूमोगे, बिल्कुल अपने स्कूल डेज की तरह। तो यही 4 दिन है हमारे पास सिर्फ फैशन के लिए। मेरी क्रश को ना समोसे खिलाने का टाइम हो चुका है, तो मैं खिला के आता हूँ। टाइम टेबल वही खड़ा रहा, वरना मिनट और सेकंड का कांटा निकाल कर ना तेरे घंटे में डाल दूंगा। थैंक यू किरण। तो बताइए मेरे साथ कौन है और बोलो यूनिफॉर्म वाद से आजादी, 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 आजादी। सारे गांव पापा चल रहे हैं यहाँ पे, अनु मलिकू में। हाँ तो बताइए कैसे करना है फिर? कम ऑन गाइस, किसी के पास तो कोई इनोवेटिव आइडिया होगा ना, कभी ना कभी किसी ने तो प्रोटेस्ट किया होगा। प्रोटेस्ट? हाँ, मैंने किया है प्रोटेस्ट। हाँ, वो एक बार मम्मी ने बाइक दिलाने से मना कर दिया तो मैंने खाना छोड़ दिया था। भूख हड़ताल, इम्प्रेसिव। और कोई? एक बार मेरी क्रश ने मुझे डेट के लिए ना बोल दिया था, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके बेस्ट फ्रेंड को कूट दिया। एग्रेसिव, नाइस। क्यों ना हम नुक्कड़ नाटक करके कॉलेज के सोए हुए प्रशासन को जगा दे। दैट्स इट, मिल गया आइडिया। तो अब जब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने झुक के ये यूनिफॉर्म लॉ नहीं हटाता, तब तक हम ना मेस का खाना खाएंगे
ना क्लास में जाएंगे और सभी लोग नंगे होकर नारे लगाएंगे। तुम्हारे सिंगल होने पर जो ये भावना तुम्हारे मन में आई है इसको मैं समझता हूँ, पर लेकिन अभी हम सिर्फ नारे लगाने पर फोकस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आजादी 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 आजादी। नहीं भैया, कुर्ता लूज ही रखना है। अरे नहीं पहनना मुझे टाइट। अरे नहीं चाहिए डीप नेक। देखो भैया, आपको जैसा बोला गया ना वैसा करिए। हदी होगी इनकी कुर्ता। कैसी है वंशिका जी? सुनिए, आपसे दो मिनट बात करनी है। मेरी क्लास का टाइम हो। सुनिए ना, दो मिनट बात करनी है। सॉरी वंशिका जी, पिछली बार के लिए माफी। देखिए बैठ जाइए ना, एक बैठे पुरुष के सामने खड़ी नारी अच्छी नहीं लगती। बैठ के बात करें प्लीज। प्लीज जल्दी बोलिए। हाँ, हमने सुना है वंशिका जी कि कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बट मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, आप उनसे बात करिए। अरे सुनिए ना, देखिए आपका लेना देना ना हो, मेरा तो है। कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरा दायित्व है, और मैंने हमेशा अपने गुरु श्री असंवृत महापात्रा जी से यही सीखा है, प्रोटेस्ट खिलाफ प्रोटेस्ट करूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप गलत के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाना चाहती हैं तो आप हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो सकती हैं। देख लीजिए, भाई ये बुक कौन सी लैंग्वेज में है? सॉरी। सुन, अब तू भी ट्राई कर ले माय फिटनेस का पीनट बटर। तू इतनी बार इंसिस्ट कर चुका है तो तेरे लिए करता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी यार, बट हेल्दी है ये? क्योंकि क्या आप, मेरी मम्मी कहती है कि जो चीज़ टेस्टी होती है वो हेल्दी नहीं होती। इसमें नो ट्रांस फैट है, जीरो कोलेस्ट्रॉल और हाई इन प्रोटीन है, ऊपर से USFDA रजिस्टर्ड भी, समझ रहा है? इसको तू गिल्ट फ्री होके खा सकता है कभी भी कहीं भी मेरी तरह। दे बताता हूँ, जस्ट स्कूप इट, डीप इट, स्प्रेड इट एंड एंजॉय इट। खाएगा? नहीं, मेरे खाने का टाइम नहीं हुआ अभी। तो यहाँ क्यों खड़ा है? मुझे भी तुम्हारे प्रोटेस्ट में कंट्रीब्यूट करना है, तो मेरे जेएनयू वाले भाई ने सिखाया हुआ है किसी प्रोटेस्ट को जानदार बनाने के लिए एक रिपीटेटिव पॉलिटी की जरूरत होती है। तो मैं लिखूंगा। ठीक है, जाओ लिखूं? लिखो, पर अच्छी लिखना। हाँ, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है, पीनट बटर खा के आती है सारी शायरियां? नहीं नहीं, पढ़ के बे। अच्छा पढ़ के। इसका ये थोड़ा ये चीज बड़ी खराब है तो रेट हो जाएगी। लेट द प्रोटेस्ट बिगिन। मैं संजीव तलवार और यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है ड्रेस कोड को लेके। आइए देखते हैं प्रोटेस्ट क्या चल रहा है। ए भोसड़ी वाले, जरा सुनो क्या चल रहा है। तुमको क्या लगता है बैराज स्टेशन सुनेगा? हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, अगर हमने फैशन छोड़ दिया तो लड़कियां हमें छोड़ देंगी। अरे तुम्हारी तुम भी इसी यूनिवर्सिटी के हो? अरे तो स्टूडेंट क्या कर रहा है? आप लोग केवल इस वीडियो का शेयर कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाए। अरे यहाँ क्या हो रहा है? बड़ो तुम्हारी माँ का चौधो, न्याय करो मदर चौधो। अगर हम न्याय करने पे आ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। गाइस, आई गेस संजीव तलवार लाइव है इंस्टा पे। यार शिट यार, मैं तो रेडी भी नहीं हुई। ये वंशिका ने अच्छा हैक बता दिया था, नहीं तो अलग अलग ओकेजंस के लिए अलग अलग लिपस्टिक कैरी करनी पड़ती थी। I am so in love with this Rene Fab 5 lipstick. कितना कॉम्पैक्ट है ये, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। बस फटाफट लगा लो, अगला में खो जाओ। किरण कैसी लग रही है? बिल्कुल श्रृंगार रस से भरी हुई है। जेरी का दुश्मन है टॉम, नहीं पहनेगा यूनिफॉर्म। अरे हाथ लाना बंद कर, बहुत दुश्मन है टॉम, आ देखते हैं जेरी का। अरे हाथ जा जाओ, अरे हाथ जा, अरे हाथ जा, बहुत अच्छा लगे हो तुम लोग भी, एक बाइट देने जरा। लव बाइट मारो।
अरे ये ड्रैकुला जैसा दिखने वाला आदमी हमको लपेट देगा। क्यों बे हैं, हमको लपेट देगा? ए पीछे पकड़ो इसको। एक्सक्यूज माय फ्रेंड, ही वाज जस्ट जोकिंग, बट आई वुड लाइक टू से समथिंग। फ्रीडम इज अ बर्थराइट एंड फैशन, स्टाइल एंड क्लोथिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस। बहुत बढ़िया, खूबसूरती का मिश्रण है अंग्रेजी के साथ, बहुत अच्छा। अरे मेरा रोदी चला गया, ये बहुत बार रोदी चला गया। डॉक्टर दुश्मन है जेरी, हम चलते हैं। डॉक्टर दुश्मन है जेरी, अरे जेरी का दुश्मन है टॉम, जेरी का दुश्मन है टॉम, काम का दुश्मन है जेरी, अरे टॉम का दुश्मन है जेरी, टॉम का दुश्मन है जेरी, जेरी का दुश्मन है टॉम, व्हाट द गॉड, जेरी का दुश्मन है टॉम, चुप। सो वी आर जस्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ड्रेस कोड बिकॉज़ वी थिंक इट्स लिमिटिंग आवर पर्सनालिटी, दैट्स ऑल, इन स्टाइल एंड फैशन। सर ये सब बहाने इन लोगों के, यूनिफॉर्म नहीं पहननी इनको। वैसे भी ये लोग यहाँ पढ़ने लिखने थोड़ी आते हैं, फैशन करने आते हैं। देखो सर, हमें तो यूनिफॉर्म से कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सर जो बहुत समझदार हैं। ये वंशिका बोलो कुछ। सर सी, व्हाट वी ऑल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज दैट दिस ड्रेस कोड विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टैंटमाउंट अमंगस्ट ऑल स्टूडेंट्स व्हिच विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ सेपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। We all can represent our college in unison, which will make us feel oneness. Yes, yes, very good. देखा सर आपने क्या क्या ना समझ आने वाली इंग्लिश बोलती, कितनी समझदार लोग, ब्राइट स्टूडेंट। वंशिका, ये दुर्जन सर तुम्हारा यूज कर रहा है ताकि हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करा सके। बउआ, नॉट दिस टाइम। एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स एंड रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए जितनी मर्जी आप लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जितनी मर्जी आप लोग ये करें, ड्रेस कोड नहीं हटेगा। दैट्स एन ऑर्डर। सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर एक बार इन अंडर कॉन्फिडेंट मगुओं की शक्लें देखो। सर ये सुबह सुबह उठते हैं ना तो एक थॉट से उठते हैं कि आज हम कौन सा कलर का कपड़ा या फिर कौन सा फैशन करें, क्योंकि सर एक बार ये भी चाहते हैं ना कि इनकी क्रश इनको नोटिस कर ले। और सर लड़कियां ले लो सर, अपने परिवार या फिर रिश्तेदारों के स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से दूर होकर आज़ादी पाकर कुछ फैशन करना चाहती है, कुछ पहनना चाहती जो उनका मन है। सर मेरा ये मानना है कि जिनके पास सर शब्द नहीं होते ना एक्सप्रेस करने के लिए, उनके कपड़े ही होते एक्सप्रेशन। दैट्स ऑल सर, बाकी तो सर आपकी मर्जी। केबी, तू सही बोल रही थी, सीनियर्स मुझे यूज कर रहे थे। ओह माय गॉड, फाइनली। अरे ये सब मत फेंको, यही तो सीनियर्स चाहते हैं। नहीं वंशी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, मार दूंगी। अरे क्या कर रहा, मत फेंको। चुप, मत। क्या भाई, आप तो पार्टी बदलते, नीरज चोपड़ा हो गई। I'm so sorry sir, I'm extremely sorry. वो गलती से आप पे गिर गया, वो मेरा आयन हैंड कोऑर्डिनेशन इज नॉट दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। एंड सर जो विराट कह रहा था वो सही है, मेरे लिए ना सही बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए उनके चॉइस ऑफ क्लोथ बहुत मैटर करता है, इट्स पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टर। मुझे लगता है आपको ड्रेस कोड नहीं रखना चाहिए, प्लीज़। ठीक है, अगर कपड़े आप लोगों के लिए इतने ही मायने रखते हैं तो ड्रेस कोड कैंसिल। लेकिन क्योंकि ये मारपीट आप चारों लोगों के ग्रुप ने शुरू की थी। नो नो सर, वो एक्चुअली इनके ग्रुप। डोंट कट मी। और कमला भारती, आप तो डिसिप्लिनरी कमिटी की हेड है, यू डिसअपॉइंटेड मी। तो मारामारी की वजह से आप चारों लोगों को कॉलेज से एक महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। केबी का कमला, जस्ट जस्ट शट अप। ये रहे पूरे दिन का बिल प्लस जीएसटी और तोड़ा फोड़ी, आए बड़े प्रोटेस्टर के चौधे।
हाँ तो उसमें क्या है, आधा आधा कर लेते ना, ले ले आधा ऊपर आधा मैं बताऊं, चल मिलते आराम। ओए ओए भोसड़ी क्या है, फिर चुनाव लगा क्या भैंसों। ओए कॉलेज खुल रहे हैं, कहीं तुम्हें यूनिफॉर्म ना पहननी पड़े। जल्दी से इस एपिसोड को लाइक और शेयर कर दो यूनिफॉर्म बात से बचने के लिए। गर्ल्स, अगर आप भी मेरी तरह किसी भी ओकेजन के लिए फटाफट रेडी होना चाहते हो तो रेने फैब फाइव लिपस्टिक इज जस्ट फॉर यू। जस्ट वन स्ट्रोक एंड यू आर ऑल ग्लैम्ड अप, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो ग्रैब वन फॉर योरसेल्फ राइट अवे। और दोस्तों, अब तो विराट ने भी माई फिटनेस का पीनट बटर खाना शुरू कर दिया है, तो आप कब कर रहे हैं? माई फिटनेस का पीनट बटर है USFDA रजिस्टर्ड विद नो ट्रांसफैट, नो कोलेस्ट्रॉल और हाई इन प्रोटीन और एनर्जी बूस्टर के साथ साथ कितना टेस्टी भी तो है यार ये। सो गाइज गो चेक आउट दिस यम्मी क्रिस्पी पीनट बटर राइट अवे। हर बार आखिरी की लाइन आप ले लेते हो यार। मैं सीनियर हूँ, कोई भी लाइन ले सकती हूँ।